आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल, मैं हूं आपके साथ तरनजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार दिवाली के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नीतीश कुमार इस बार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सबसे पहले साल 2000 में वो मुख्यमंत्री बने थे और तब से अब तक अलग अलग मौकों पर वो शपथ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री विग्वेन शुआन फुक आसियान इंडिया वर्चुअल समिट की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान कई प्रमुख मसलों के साथ ही भारत और आसियान के बीच कारोबार बढ़ाने पर भी बात होगी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक विषयों पर चर्चा के लिए हर 2 साल पर आसियान देशों का सम्मेलन होता है। आसियान का 47वां सम्मेलन इस बार वर्चुअल तरीके से 12 से 15 नवंबर तक होगा। भारत सहित 10 देश आसियान के डायलॉग पार्टनर हैं। भारत के अलावा इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल। लद्दाख में सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशें जारी। तनाव कम करने के लिए पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर विवादास्पद फिंगर क्षेत्र को अस्थायी तौर पर नो मैन्स लैंड में तब्दील किया जा रहा है। 6 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों की गश्ती को रोका जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि फिंगर 4 को लेकर 8 तक के एरिया को कुछ समय के लिए नो पेट्रोलिंग जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो भारत और चीन दोनों अपने मौजूदा पोजीशन से पीछे हटेंगे। चीन फिंगर 8 से पीछे हटेगा, जिसे भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताता है। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी और हवा की गुणवत्ता में खतरनाक गिरावट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण सांस संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कई लोग कोविड-19 से संक्रमित भी हो गए हैं। सुबह से ही पूरी दिल्ली में प्रदूषण की परत देखने को मिली। दिल्ली के आईजी विजय चौक, इंद्रलोक और सराय रोहिल्ला समेत इलाकों में खराब हवा वाली धुंध की चादर छाई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों का औसत AQI 476 दर्ज। दिल्ली में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने चिंता जाहिर की। उन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन लागू किए जाने की मांग की। अजय माकन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करते हुए कहा कि वो फौरन दिल्ली में लॉकडाउन लागू करें। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 9 नवंबर तक 581 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हाल ही में हुए सीरो सर्व का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखने से लगता है कि दिल्ली में हर 4 में से एक शख्स कोरोना से संक्रमित है और हर घर में कोई ना कोई कोरोना महामारी की चपेट में आ चुका है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोरोना ने इतना भयानक रूप ले लिया है, इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया और कोरोना पर दी गई ढील पर अब तक क्यों रोक नहीं लगाई गई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का त्यौहार 12 नवंबर यानी आज मनाया जा रहा है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सोना, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदने के साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदने का भी परंपरा है। बॉलीवुड में फैले ड्रग रिंग की जांच कर रहे कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिला से 6 घंटे पूछताछ की। गैब्रिला के घर पर सर्च के दौरान प्रतिबंधित दवाइयां मिली थी। इसके बाद एनसीबी ने गैब्रिला और अर्जुन रामपाल को अलग अलग दिन समन जारी किया। गैब्रिला ने बताया कि वो इन दवाओं को पेन किलर के तौर पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ले रही थी, हालांकि उनके पास डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं। देश भर में पानी बचाने की मुहिम में ITV नेटवर्क लंबे वक्त से काम कर रहा है। ITV नेटवर्क का लक्ष्य पानी को बचाकर हर शख्स को पानी मुहैया कराना। जहां बूंद बूंद पानी में असर नहीं है, ITV की मुहिम आखिरी बूंद को सरकार ने भी सराहा और ITV फाउंडेशन को साल 2020 के जल शक्ति सम्मान समारोह के लिए चुना। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ITV नेटवर्क को यह सम्मान दिया गया। ITV फाउंडेशन के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिक शर्मा ने इस सम्मान को ग्रहण किया।
साथ ही कार्तिक शर्मा ने जल शक्ति मंत्रालय का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस अवार्ड से टीम का हौसला बढ़ेगा और आगे मजबूती के साथ जल संरक्षण को प्रमोट किया जाएगा। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बठिंडा का दौरा किया। इस बीच उन्होंने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, सभी के सुख की कामना की। जालंधर की पटाखा मार्केट में दुकानदार पटाखा बेचने को तैयार, लेकिन इस हर साल की तरह इस साल पटाखों की बिक्री नहीं हो रही, जिससे दुकानदार परेशान। त्योहारों के सीजन को देखते हुए कोई पटाखी तत्व किसी को नुकसान न पहुंचा दे, इसके चलते धूरी पुलिस ने चेतावनी देते हुए फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च धूरी के DSCP दफ्तर से शुरू हुआ और पूरे धूरी का चक्कर लगाता हुआ वापस धूरी के थाना सिटी आकर खत्म हुआ। खन्ना पुलिस के DSP सुजीत सिंह धनोआ ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धुराहाल और मालोद में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति से दिवाली मनाने की अपील की। DSP ने इस मौके पर जनता से किसी भी शरारती तत्वों की पुलिस में रिपोर्ट करने की अपील की। ग्राहकों को भिखारियों से मुक्त करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत शहर के प्रमुख चौराहों और चौकों से हटाने के लिए पुलिस ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है, जिन्हें अब हटाया जाने लगा है। पुलिस कमिश्नर राकेश के अनुसार लुधियाना पंजाब की मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहां से भिखारियों को हटाने के लिए उन्हें 15 दिन का नोटिस जारी किया गया था और उन्हें या तो कम काम पर लगाया जाएगा या फिर संबंधित जगह पर वापस भेजा जाएगा। हाई सीजन के चलते पंजाब सरकार की तरफ से मिशन स्वास्थ्य पंजाब चलाया गया। डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह की अगुवाई में मेडिकल की टीम ने मिठाइयों की दुकानों से कई मिठाइयों के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे। वहीं डॉक्टर राजेंद्र पाल ने बताया कि त्योहार के चलते कई दुकानदारों से नकली मिठाई बरामद की गई, जिसके चलते मिशन स्वास्थ्य पंजाब को तेज किया गया। जालंधर के एक अस्पताल में एक शख्स की मौत, वहीं मृतक के परिजनों ने शख्स की मौत के लिए डॉक्टर को जिंदा किया। परिवार वालों ने डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ जमकर रोक दिया। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मोगा के कस्बा कोट इलाके में पुलिस ने छापेमारी करते हुए खान रोड के GM पैलेस से अवैध पटाखों की खेप बरामद की। पुलिस ने लुधियाना के फील्डगंज क्षेत्र के घर में बने गोदाम में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध पटाखों की खेप बरामद की। पुलिस ने कहा कि पटाखे केवल वही दुकानदार रख सकते हैं जिनके पास लाइसेंस। ACP वरियाम सिंह ने बताया कि पटाखों की कीमत करीब 50 लाख रुपए और सारा माल बरामद कर लिया गया है। हालांकि दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। खन्ना रोड पर फीड फैक्ट्री के पास एक स्टोर में पुलिस ने छापेमारी की और बड़ी मात्रा में अवैध रूप से पटाखे बरामद किए। बठिंडा की सरहद नहर से अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसे सराहा जनसेवा की मदद से बाहर निकाला गया। शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लुधियाना में पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर के पास बने एक खाली प्लॉट में गैंग नामक एक लुटेरा गिरोह का पर्दाफोड़ कर इसके 7 सदस्यों को काबू किया, जो हथियारों की नोक पर लूटपाट करते थे। पुलिस कमिश्नर राकेश ने बताया कि आरोपियों पर लूटपाट करने के थाना नंबर Division 3 में अलग अलग केस दर्ज। पुलिस ने आरोपियों से एक 7 बोर की पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक डमी पिस्तौल, एक एयरगन, 4 तेजर हथियार, 7 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन और इंटरनेट डोंगल बरामद किया। दिवाली को पटाखे जलाने से प्रदूषण पैदा होने की वजह से चंडीगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों में पटाखों पर रोक लगा दी गई। इसका अच्छा असर लुधियाना की पटाखा मार्केट में भी देखने को मिला। पटाखा विक्रेताओं के मुताबिक इस बार कोरोना महामारी के चलते उत्पादन आधा हो गया है, वहीं इस बार उनकी बिक्री भी कम होने की आशंका। दुकानदारों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों में पटाखों पर बैन होने के कारण इस बार बाहर से भी लोग यहां आ रहे हैं, जो अपने रिश्तेदारों के साथ दिवाली मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बठिंडा के दमनगढ़ गांव में पिछले 10 दिनों से धान की खरीद नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों और आरटीओ ने खरीद एजेंसी इंस्पेक्टर भेदभाव और सेलर मालिकों से मिलीभगत के आरोप लगाए। किसान नेताओं का कहना है कि अगर मामले में संज्ञान नहीं लिया गया तो जल्द संघर्ष तेज किया जाएगा।
तरनतारन के गांव में एक भाई का अपने भाई में खेत में पानी के मोटर को लेकर झगड़ा हुआ। देखते देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि भाई ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। चंबा के जयगांव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 113 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, पुलों, हॉस्टल और पार्किंग स्थल की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप अभी थमा नहीं है, इसलिए कोविड-19 के नियमों का पालन करें। चंबा के जयगांव में करोड़ों की आधारशिला रखने से पहले सीएम जयराम ठाकुर को कार्यकर्ताओं ने शॉल और टोपी पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पटियाल हल्के के सुनता में भी 50 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास किया। मौके पर जयराम ठाकुर ने पटियाल के चुम्बारी में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन और 3 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की। पांचों प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाए हैं, साथ ही उनका कहना है कि अस्पतालों में रोगियों को रखने की जगह नहीं है। जयराम सरकार पर तीखा हमला करते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मोदी सरकार के फरमानों को बिना सोचे समझे लागू करने में लगी। उन्होंने कहा कि सरकार के बिना इंतजामों के स्कूल खोल दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षक और छात्र पॉजिटिव आने लगे, जब जाकर प्रदेश सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। हिमाचल में अटल टनल रोहतांग को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के शिलान्यास पटे का हटाने को लेकर कांग्रेस का कुल्लू और लाहौल जिले में 13 नवंबर तक सांकेतिक धरना जारी। इसी के चलते कुल्लू के ढालपुर मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय के लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष निकाले। इस दौरान प्रदेश और कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने इस रैली में हिस्सा लिया। इसी बीच युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार को तानाशाह करार दिया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीर सिंह ने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह से शिलान्यास पटेखा को हटाना और उसे बीआरओ के गोदाम में रखना बिल्कुल सही नहीं। एनजीटी के निर्देशों पर सिरमौर प्रशासन ने भी जिलावासियों से इस बार ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की। इस बार गोमई ज्योति नाम से बाजार में उतारे गए गोबर के दीयों को जलाकर दिवाली रोशन करने की अपील की। डीसी सिरमौर डॉक्टर आके परूथी ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक यहां पर एयर पॉल्यूशन की समस्या है, जहां पर पटाखों के चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। डीसी ने कहा कि जिला के काला अंब और पौंटा साहब औद्योगिक क्षेत्रों में हालांकि पिछले एक साल से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, लेकिन फिर भी इस मामले में सचेत रहने की जरूरत। रामपुर में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एनआरएलएम के तहत तेजी से कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में आनी के निर्माण खंड मुख्यालय में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने हिमइरा प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आनी के विधायक किशोरी लाल ने किया, साथ ही उन्होंने कहा कि इसे प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टेट नार्कोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कांगड़ा की टीम ने मोटरसाइकिल सवार युवक से 250 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस की पूछताछ में आरोपी की पहचान पंकज निवासी गांव ब्रांगल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस टीम आरोपी से चरस खेप की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। कुल्लू में 14 नवंबर को मनाए जाने वाले दिवाली उत्सव में आग की घटना को रोकने के लिए दमकल विभाग ने कमर कस ली। कुल्लू में प्रशासन ने दिवाली को लेकर कुल्लू में अग्निशमन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी। जिला कुल्लू पहले से ही आग के लिए अति संवेदनशील है, ऐसे में दिवाली में किसी तरह की घटना न हो इसके लिए शिमला के गृह रक्षा विभाग पहले से अलर्ट। आग की घटनाओं से बचने के लिए जिले में अग्निशमन केंद्र और चौकियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। कुल्लू मनाली लाजी और पतली कूहल और बंजार में करीब 100 से अधिक अग्निशमन कर्मचारियों की तैनाती। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5 करोड़ के पार, अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार।
कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 57 लाख के पार। रूस में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। कुल मरीजों की संख्या 4 लाख के पार। 4 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। देश में 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा केस। 550 की मौत। 86 लाख से ज्यादा केस संक्रमित। 4 लाख से ज्यादा एक्टिव। पंजाब में कोरोना का कह जारी। पिछले 24 घंटे में 699 मामले सामने आए। 31 की मौत। पंजाब में संक्रमितों की संख्या 1,39,000 के पार। 1,29,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कोहराम जारी। पिछले 24 घंटे में 610 नए मामले सामने आए। 12 की मौत। हिमाचल में संक्रमितों की संख्या 27,000 के पार। 21,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। जबकि प्रदेश में कोरोना के 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 125 की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 45,000 से ज्यादा। 88,000 से ज्यादा एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 2,000 से ज्यादा केस। 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 11,000 से ज्यादा की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 1,000 से ज्यादा केस। मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार। 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,000 से ज्यादा केस। अब तक 4 लाख से ज्यादा ठीक। 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत। 783 संक्रमित मिले। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 66,000 के पार। इनमें 60,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस। एक दिन में 2,000 नए केस सामने। मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस। 85 की मौत। 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस।